हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोच चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलवीर को कोच सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान शिव कहते हैं देवी। आज कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा वीर कौन था होता है। इसलिए हे देवी, आज इस कहानी को अंत तक सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। इस धरती पर अपने नाम को सच करने वाली शुभावती नाम की एक नगरी है। वहां शुद्रक नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। शुद्रक सच्चे अर्थों में प्रजापालक था। प्रजा को उस पर अटूट आस्था एवं विश्वास था। वीरों पर प्रीति रखने वाले उस राजा के पास नौकरी करने की इच्छा से एक बार मालवा से वीरवर नाम का एक ब्राह्मण आए। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे, उसकी गर्भवती स्त्री धर्मवती, पुत्र सत्यवर तथा कन्या वीरवती। इसी तरह वे तीनों ही सेवा के लिए उसके सहायक थे, जो कमर में कृपाण, एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। वीरवर राजा शूद्रक के दरबार में पहुंचा और अपने आने का उद्देश्य कहा तो राजा ने उसके व्यक्तित्व से, बोलचाल के ढंग से प्रभावित होकर उसे दास रखना स्वीकार कर लिया। किंतु वीरवर ने जब 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक मांगा तो राजा कुछ हिचकिचाहट में पड़ गया। उसने वीरवर को नौकरी तो दे दी, किंतु गुप्त रूप से उसकी जांच कराने का भी निर्णय कर लिया। उसने अपने गुप्तवर को आदेश दे दिए कि वीरवर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करके यह पता लगाएं कि उसका परिवार कितना बड़ा है और इतने पैसों का वह उपयोग किस प्रकार करता है। वीरवर नित्य प्रति राजा से मिलकर हाथों में हथियार लिए मध्याह्न तक उसके सिंहद्वार पर ही खड़ा रहता था और फिर राजा से प्राप्त वेतन में से प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पली को घर के खर्च के लिए दे देता था। बाकी 400 स्वर्ण मुद्राओं में से 100 स्वर्ण मुद्राओं से वस्त्र, आभूषण और तांबूल आदि खरीदता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं स्नान के पश्चात विष्णु और शिव की पूजा में खर्च करता था। शेष 200 स्वर्ण मुद्राओं को वह ब्राह्मण और दरिद्रों को दान में देता था। इस प्रकार प्रतिदिन राजा से प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करता था। अनंतर दैनिक कार्यों से निबटकर वह भोजन करता और फिर रात में राजा के सिंहद्वार पर जाकर हाथ में तलवार लिए पहरा दिया करता था। राजा शूद्रक ने जब अपने गुप्तचरों से उसका प्रतिदिन का नियम सुना तो वह मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर के योग्य समझा तथा उसका पीछा करने वाले गुप्तचरों को रोक दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। वीरवर ने कठोर धूप वाली गर्मी के दिन सहज ही बिता दिए। घनघोर वर्षा के कददाई दिन भी वह उसी तरह अपने कर्तव्य हेतु अटल रहकर सिंहद्वार पर बिताता रहा। शुद्रक ने कई बार रातों में स्वयं जाकर उसकी जांच की, किंतु हर बार उसने वीरवर को अपनी नौकरी पर मुस्तैद पाया। एक बार जब राजा प्रजा का हालचाल जानने के उद्देश्य से रात को महल से बाहर निकल रहा था तो उसने दूर कहीं से आती हुई किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उस आवाज में बहुत दर्द, करुणा और दुख गहनलता भरी हुई थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे राज्य में न तो कोई सताया हुआ है, न ही कोई दरिद्र है और न ही कोई दुखी, तो फिर यह स्त्री कौन है और इस भयंकर रात्रि में
जब सर्वत्र घनघोर वर्षा हो रही हो, क्यों इस प्रकार करुणोदन कर रही है? राजा को उस पर बहुत दया आई। उसने वीरवर से कहा, वीरवर सुनो, दूर कोई स्त्री करुण स्वर में रुदन कर रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों रो रही है। राजा की बात सुनकर वीरवर ने जो आज्ञा कहा और अपनी कमर में कटार खोसकर हाथों में तलवार लिए तुरंत वहां से निकल पड़ा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी, रहकर बिजली कौंध रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे फट पड़ने के लिए वे बेचैन हो रहे हों। वीरवर को इतनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ ऐसे बुरे मौसम में भी राजाज्ञा का पालन करने के लिए जाते देख राजा को उस पर बहुत दया आई। उसे कौतूहल भी हुआ, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए लुकता छिपता हुआ चल पड़ा। उसका अनुसरण करता हुआ वीरवर नगर के बाहर जा पहुंचा। वहां उसने एक सरोवर के किनारे एक स्त्री को विलाप करते देखा जो बार बार, हा वीरहा काका स्वामी हा त्यागी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, कहती वह हुई रो रही। वीरवर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे सुभगे, तुम कौन हो और रात के इस प्रहर में इस प्रकार क्यों रो रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे वीरवर, मैं पृथ्वी हूं। इस समय मेरे स्वामी राजा शूद्रक हैं, जो धर्मात्मा हैं। आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं उनके समान किस दूसरे राजा को अपने स्वामी के रूप में पाऊंगी? यही गम मुझे खाए जा रहा है। इसी शोक से दुखी होकर मैं उनके तथा अपने लिए विलाप कर रही हूं। यह सुनकर वीरवर ने उससे कहा, है देवी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जगत के रक्षक उस राजा की मृत्यु को रोका जा सके? हां है, स्त्री के रूप में धरती बोली, और वह उपाय केवल तुम ही कर सकते हो। वीरथर, तो देवी मुझे वह उपाय शीघ्रता से बतलाइए जिससे मैं उसे कर सकूं, नहीं तो मेरे जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं रह जाएगा। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, वत्स, तुम्हारे समान वीर और स्वामी भक्त दूसरा कौन है? अतः तुम राजा के कल्याण का उपाय सुनो। यहां से कुछ दूर देवी चंडिका का एक मंदिर है, यदि तुम अपने पुत्र की बलि देवी चंडिका को दे दो तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, वह 100 वर्ष तक और जी सकेंगे। यदि तुम आज ही यह काम कर सको तो ठीक है, अन्यथा आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु अवश्यंभावी है। इस पर कर्तव्यनिष्ठ वीरवर ने कहा, देवी, अपने स्वामी का जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को सदैव ही तत्पर हूं। मैं आज ही जाकर यह कार्य करता हूं, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तब ऐसा कहकर पृथ्वी अंतर्ध्यान हो गई। छिपकर पास ही खड़े राजा ने उन दोनों का वार्तालाप सुना और वह वीरवर आगे क्या करता है इसी प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुंचकर वीरवर ने अपनी पली धर्मवती को जगाया और राजा के लिए पुत्र की बलि देने के लिए धरती ने जो कुछ कहा था वह उसे कह सुनाया। सुनकर उसकी पली ने कहा, नाथ, स्वामी का जीवन अवश्य बचाना चाहिए। आप इसी समय अपने पुत्र को बुलाकर उससे सारा वृत्तांत कहें। तब वीरवर ने अपने बालक सत्यवर को जगाकर सारा वृत्तांत उसे बताया और कहा, बेटा, चंडिका देवी को तुम्हारी बलि दिए जाने पर ही हमारे स्वामी बच पाएंगे, नहीं तो आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही उस बालक ने अपने नाम को सार्थक करते हुए निर्भीक होकर कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राणों के बदले हमारे स्वामी का जीवन बचता है तो मैं इस कार्य को सहर्ष करने को तैयार हूँ। मैंने जो उनका अन्न खाया है मैं उससे उकरण हो जाऊंगा। आप तुरंत मेरी बलि का प्रबंध कीजिए जिससे मुझे शांति मिल सके। सत्यवर के ऐसा कहने पर वीरवर ने कहा, बेटा, तुम धन्य हो, तुम सचमुच ही मेरे पुत्र हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वीरवर के पीछे पीछे आए हुए राजा ने ये सारी बातें सुनी। उसने सोचा, अरे, ये तो सभी एक ही जैसे वीर हैं। अंतर, वीरवर ने अपने बेटे सत्यवर को कंधे पर उठा लिया।
उसकी पली धर्मवती ने अपनी बेटी वीरवती को ले लिया और रात के समय चंडिका के मंदिर में गए। राजा शूद्रक भी छिपकर उनके पीछे पीछे गया। मंदिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी के सम्मुख अपने बेटे को कंधे से उतारा। सत्यवर ने बड़े धैर्य से देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करो, जिससे हमारे स्वामी राजा शूद्रक अगले 100 वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज कर सके। वीरवर ने पुत्र के ऐसा कहते ही धन्य धन्य कहते हुए अपनी तलवार निकाली और उससे अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी चंडिका को अर्पण करते हुए कहा, हे देवी, मेरे पुत्र के इस बलिदान से हमारे स्वामी 100 वर्ष तक जीवित रहे। उसी समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, है वीरवर, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान स्वामी भक्त और कोई नहीं है, जिसने अपने एकमात्र गुणी पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा शूद्रक को जीवन दिया है। राजा शूद्रक छिपकर ये सारी बातें देख और सुन रहे थे। तभी वीरवर की कन्या वीरवती आगे बढ़ी और मरे भाई के मस्तक को आलिंगन करती हुई शोक से बिह्वल बुरी तरह से रोने लगी। तदनंतर उसने भी भाई के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वीरवर की पली ने कहा, हे स्वामी, राजा का कल्याण तो हो गया, अब मैं भी आपसे कुछ कहती हूं। हमारा पुत्र चला गया, हमारी बेटी ने उसके शोक में अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं भी अब जीकर क्या करूंगी। मुझ मूर्ख ने राजा के कल्याण के लिए पहले ही देवी को अपना मस्तक क्यों अर्पित नहीं किया। इसलिए अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भी आज्ञा दें कि मैं अपने बच्चों के शरीरों के साथ अनि में प्रवेश करूं। जब धर्मवती ने आग्रह पूर्वक ऐसा कहा तो वीरवैर बोला, है मनस्विनी, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। एकमात्र बच्चों का शोक ही जिसके पास बच रहा है, ऐसे में तुमको अब जीवन से क्या अनुराग है। तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए। यदि किसी और के मरने से राजा का कल्याण होता तो मैं पहले ही अपना जीवन उत्सर्ग न कर देता। किंतु तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, तब तक मैं तुम्हारी चिता हेतु कुछ लड़कियों का प्रबंध कर देता हूं। यह कहकर वीरवर ने लकड़ियों की एक चिता तैयार की, अग्नि से उसे प्रज्वलित किया और उस चिता पर दोनों बच्चों के शव रख दिए। तब उसकी धर्मप्रायण पली उसके पैरों में जा गिरी। उस पतिव्रता ने देवी को प्रणाम करके कहा, है दवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी यही आर्यपुत्र मेरे पति हो और यही राजा मेरे स्वामी, मेरे इस शरीर त्याग से इनका कल्याण हो। यह कहकर वह साध्वी स्त्री भयानक लपटों वाली उस चिता की अग्नि में इस प्रकार कूद पड़ी मानो जल में कूद पड़ी हो। इसके बाद पराक्रमी वीरवर ने सोचा, आकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने राजा का जो नमक खाया था उससे उऋण हो गया, अब मुझ अकेले को ही अपने जीवन से मोह क्यों रखना चाहिए। जो मरण करने योग्य थे, प्यारे थे, उन सभी अपने कुटुंबीजनों का नाश करके अकेला अपने को जीवित रखने वाला मुझ जैसा कौन अभागा व्यक्ति होगा। तो फिर मैं भी क्यों न अपने शरीर की बलि देकर देवी को प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करने लगा, है देवी, हाथों में शूल धारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी, जगत जननी तेरी जय हो, हे माता सर्वव्यापिनी, आप देवताओं को प्रसन्नता देने वाली हैं, तीनों लोकों को धारण करने वाली हैं। हे माता, सारा संसार तुम्हारे चरणों की वंदना करता है, अपने भक्तों की मुक्ति के लिए तुम ही शरण रूप हो। तुम्हारी जय हो, हे काली, जय कापालिनी, जय कंकालिनी, हे कल्याणमयी, आपको नमस्कार है। मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार कर तुम राजा शूद्रक पर प्रसन्न हो। ततश्चात देवी की स्तुति करके वीरवर ने झटपट तलवार से अपना मस्तक काट डाला। वहां छिपकर शूद्रक ये सारी बातें देख रहा था।
दुख से विकल होकर उसने आश्चर्य पूर्वक सोचा, हे भगवान, मेरे लिए इस सज्जन पुरुष और इसके परिवार ने यह कैसा दुष्कर कार्य कर डाला। ऐसा तो न कहीं देखा अथवा सुना गया। इस विचित्र संसार में इसके जैसा धीरवीर पुरुष और कहाँ मिलेगा, जो बिना कहे सुने परोक्ष में अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों तक अर्पित कर दे। यदि इसके उपकार का प्रत्युपकार मैं न कर सकूं तो मेरे राजा होने का अर्थ ही क्या रह गया। फिर तो मेरे और एक पशु के जीवन में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा सोचकर राजा शूद्रक ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और देवी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। आप मेरे मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। अपने नाम के अनुरूप आचरण करने वाले इस वीरवर ने मेरे लिए ही अपने प्राणों का त्याग किया है। मेरे प्राण लेकर आप प्रसन्न हो और वीरवर तथा उसके पुत्र पुत्री एवं पली को पुनर्जीवित कर दें। यह कहकर राजा ने जो ही तलवार से अपना मस्तक काटना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, है राजन, तुम ऐसा दुस्साहस मत करो, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद है कि यह ब्राह्मण तत्काल अपने परिवार सहित जीवित हो जाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। वीरवर भी अपने पुत्र, कन्या तथा पति सहित अक्षत शरीर होकर जी उठा। यह दृश्य देखकर राजा फिर छिप गया और प्रसन्नता के आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखता रहा। वीरवर ने अपने बच्चों तथा स्त्री सहित अपने को भी सोता हुआ सा देखा और उसका मन क्रांत हो गया। वीरवर ने अपनी पली और बच्चों को अलग अलग ले जाकर पूछा, तुम लोग तो आग में जलकर भस्म हो गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए? और मैंने भी तो अपना मस्तक काट डाला था, मैं भी जीवित बचा हूँ। यह मेरी भ्रांति है या देवी ने सचमुच हम पर कृपा की है? वीरवर के ऐसा कहने पर उसकी पली एवं बच्चों ने कहा, पिताश्री, हम लोग सचमुच जीवित हो गए हैं, यह देवी का अनुग्रह है। यद्यपि हम अभी तक यह बात जान नहीं पाए हैं। वीरवर ने भी यही समझा कि ऐसी ही बात है, पर उसका काम पूरा हो चुका था, अतः वह अपनी स्त्री एवं बच्चों सहित अपने घर लौट आया। घर पर स्त्री एवं बच्चों को छोड़कर उसी रात वह पहले की तरह फिर से राजा की ड्योढ़ी पर पहुंचा और अपनी नौकरी पर मुस्तैद हो गया। यह देखकर राजा शूद्रक भी सबकी आंखें बवाकर फिर अपने महल की छत पर जा चढ़ा। वहां से राजा ने पुकार कर पूछा, ड्योढ़ी पर कौन है? तब वीरवर ने कहा, स्वामी, यहां मैं हूं। आपकी आज्ञा से मैं उस स्त्री को देखने गया था, पर मेरे देखते ही देखते वह गायब हो गई। वीरवर की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसने तो सारा हाल अपनी आंखों के सामने देखा था। वह सोचने लगा, यह कैसा मनस्वी पुरुष है जो धीरवीर एवं समुद्र के समान गंभीर है। अभी अभी इसने जो कुछ किया है उसका एक शब्द भी अपने मुंह पर लाना नहीं चाहता। धन्य है वीरवर, ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य से ही किसी किसी को नसीब हुआ करते हैं। इसी तरह की बातें सोचता हुआ राजा चुपचाप महल की छत से उतर आया। बाकी की रात उसने अंतःपुर में जाकर बिता दी। सवेरे वीरवर राजदरबार में राजा के दर्शन करने गया, उसके कार्यों से प्रसन्न। राजा ने पिछली रात का सारा विवरण अपने मंत्रियों से कर सुनाया। सुनकर वे सभी आश्चर्य के सागर में डूब गए। राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर तथा उसके पितृ को कर्नाट का राज्य दे दिया। राज्य पाकर अब वे दोनों समान वैभव वाले तथा एक दूसरे का फल चाहने वाले बने गए। इस प्रकार राजा शूद्रक और राजा वीरवर दोनों ही सुखपूर्वक पहने लगे। महादेव जी ने यह अद्भुत कथा सुनाकर माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, यह बतलाओ कि उन दोनों में से बड़ा वीर कौन था? जानते हुए भी यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पहले की तरह ही शाप लगेगा। यह सुनकर माता पार्वती ने महादेव जी को उत्तर दिया, हे महादेव, उन दोनों में से बड़ा राजा शूद्रक ही था।
महादेव जी बोला, पार्वती, सबसे बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं था? उसने तो स्वयं राजा के कल्याण हेतु अपना मस्तक तक काट डाला था। या फिर उसकी पली, उसने भी तो अपना बलिदान दिया था। उसके पुत्र सत्यवर ने भी कौन सा कम वीरता का काम किया था? राजा के कल्याण हेतु उसने भी तो सहर्ष मां चंडिके को अपना मस्तक अर्पण कर दिया था। वह तो बालक होने पर भी वीरता का उत्कर्ष था। तब फिर तुम शूद्रक को सबसे बड़ा वीर किस लिए कर रहे हो? महादेव जी के इस कथन पर पार्वती बोली, है महादेव, ऐसी बात नहीं है। वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपने स्त्री और अपने बच्चों की बलि देकर भी स्वामी की रक्षा अपना परम धर्म मानते हैं। वीरवर की पली भी कुलीन वंश की थी, वह पतिव्रता थी। वह पति को ही अपना एकमात्र देवता मानती थी। पति के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा कार्य नहीं था। उनसे उत्पन्न सत्यवर भी उन्हीं के समान था। जाहिर है, जैसा सूत होगा वैसा ही कपड़ा भी तैयार होगा। लेकिन जिन चाकरों से राजा लोग अपने जीवन की रक्षा करवाते हैं, राजा शूद्रक उन्हीं के लिए अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो गया था। उन सब में वही विशिष्ट था। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।